तबीयत शायद ठीक नहीं है एक महीने से। इसका ये मतलब नहीं है कि बुबागरा को मालूम नहीं है त्रिपुरा में क्या चल रहा है। एक पूरा साजिश है थानसा को तोड़ने के लिए, एक पूरा साजिश है कि दोफा को बांट के, दोफा को कमज़ोर करके वही जगह में ले जाए जो 70 साल से हो रहा है। बहुत लोग डरता है तिपरासा का थानसा से, बहुत लोग डरता है कि अगर तिपरासा थानसा हो गया तो दोफा आगे बढ़ेगा। इसके लिए बहुत लोग आजकल तिपरासा यूनिटी को तोड़ने के लिए, कोई ब्रू के लिए, कोई तिपरा के लिए, कोई देवबर्मा के लिए, कोई जमातिया के लिए, कोई रूपिनी के लिए, कोई उच्चोय के लिए फाइट कर रहा है। कोई नहीं सोच रहा है कि अगर हम लोग ने अलग अलग होकर हमने फाइट किया तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। कौन चाहता है कि तिपरासा लोग डिवाइड हो? वही लोग जो तिपरासा को 70 साल से नीचे रखने की कोशिश कर रहा है। ये लोग डरते हैं कि हम लोग अगर एक हो गए तो हमको ग्रेटर तिपरालैंड या तिपरालैंड मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं अपने बहुत मेंबर्स को ब्लेम करता हूँ जो कभी भी बड़ा पिक्चर नहीं देखता है, कभी भी नहीं देखता है कि अगर हम एक साल एक रहे तो हमें क्या मिलेगा। लालच के लिए, पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दलाली के लिए आप तिपरासा दोफा को डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा पैसा लेकर, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप हम लोग को कमज़ोर कर रहे हो। बुबागरा एक महीने से बीमार है। इसका ये मतलब नहीं है कि बुबागरा नहीं जानता है सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, कौन लीडर लोग किन से बात कर रहा है। मुझे सब मालूम है और मैं पूरा ज़िंदगी बीमार रहने वाला नहीं हूँ। एक महीने के बाद मैं वापस ज़मीन में निकलूँगा और ये सब जो अपने आप को नेता बोलते हैं, दोफा का लीडर बोलते हैं, तिपरासा को तोड़कर हमें अपने ही जगह में गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, उनको मैं टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ। अभी भी समय है, आप एक साल, सिर्फ एक साल तिपरासा बन के बनिए रहिए, ना कि अलग अलग कम्युनिटी। एक साल अगर आप तिपरासा बन गए तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप एक साल भी एक संग नहीं रहे तो हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा 70 साल के बाद भी कि अपने ही हाँ में हम लोग सेकंड क्लास नागरिक बन के रहें। बुबागरा वापस ट्रीटमेंट के बाद लौट रहा है और बुबागरा कभी भी अपने तिपरासा को नीचे होने नहीं देगा। थानसा सिर्फ एक शब्द नहीं है, थानसा एक सोच है और ये सोच को अगर हमको एक संग रखना है तो एक साल के लिए अपने बारे मत सोचो, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचो। बेलाइनो हम बाय, थैंक यू।